देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बनाते हैं। एक व्यापारी रुपए 52 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 1 केजी का दाम कितना है 52 रुपया, के भाव वाले एक किस्म के 20 केजी चावल को 36 रुपया प्रति केजी, 1 केजी का दाम कितना है 36 रुपया, के भाव वाले अन्य किस्म के 60 केजी चावल में मिलाता है, ठीक है, मिला देता है। यदि वह उस मिश्रित चावल, ठीक है, मिक्सर राइस को ₹44 प्रति केजी, ठीक है, मिश्रित चावल यानी ये वाला जो भाव है 20 केजी और 60 केजी, ठीक है, मिश्रित चावल को ₹44 प्रति केजी के भाव पर बेचता है, 1 केजी का दाम कितना है 44 रुपया बेचता है, ठीक है, बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। साफ पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बनाते हैं। पहले हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य कह रहा है ना, बेचता है, तो एसपी निकालते हैं। एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। भाई देखिए ध्यान से, 1 केजी का दाम है 44 रुपया, ठीक है, 1 केजी का दाम है 44 रुपया, तो 44 रुपया के हिसाब से 80 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 20 प्लस 60 कितना होता है 80, कह रहा था ना क्वेश्चन में। यदि वह मिश्रित चावल को ₹44 प्रति केजी के भाव पर बेचता है, मिश्रित चावल यानी 20 केजी और 60 केजी, ठीक है, तो कितना हो गया 80, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, एसपी कितना निकल के आएगा, 8 × 32 = 2, 8 × 32 यानी 35, 3520 निकल के आया। ये क्या निकला, एसपी, विक्रय मूल्य निकल के आया, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा आपसे, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है भाई, आप क्रय मूल्य निकालना, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है, ₹52 प्रति केजी के भाव वाले एक किस्म के 20 केजी चावल, ठीक है, 20 केजी चावल, 1 केजी का दाम है 52 रुपया, तो 20 केजी का दाम कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 52 × 20 कर देंगे, कितना हो गया, 2 × 2 = 4 ही रहेगा, 5 × 5 = 10 और इधर 1 0, यानी इतना हो गया, इतना रुपए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में देखिए, ₹36 प्रति केजी के भाव वाले अन्य किस्म के 60 केजी चावल में मिलाता है, ठीक है भाई, ₹36 के हिसाब से 60 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा, आराम से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली दिमाग अस्थिर रहना चाहिए, 6 × 36 = 6, 6 × 6 = 18, 18 × 19 = 20, 21, 2160 हो गया टोटल सीपी। देखिए क्रय मूल्य 0, 6 × 4 = 10, 0, 1, 2, ठीक है, 2 × 1 = 3, यानी 320 क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया, और एसपी कितना निकल के आया, 3520 निकल के आया, ठीक है, आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जा रहा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा, तो कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी, ठीक है, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी। अब देखिए 3520 से 3200 जाएगा तो कितना होगा भाई, 0 और इधर 2 और इधर 5 से 2 जाएगा तो 3, यानी 320 निकल के आया, बट्टा सीपी नीचे लिखाता है, सीपी कितना है 3200 है, गुणे 100% में पूछा जा रहा है, तो ये 0 0 कट जाएगा, 32 32 कट जाएगा, यानी 10% आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।